Yes, it is written in the book. और by experience है ये book में ऐसी बातें आई है तो ये ऐसी बात. तो ये आंख का डर है. What I mean to say is ये आंख का डर है कि शेर चला जाएगा आपका बच्चा आपके पास रहेगा. अगर आपने अपने बच्चे को आंख से डराना शुरू कर दिया तो आपका बच्चा आपके पास रहेगा. जब शेर चला जाता है तो थोड़ा बड़ा हो गया 18 साल का उसने अपनी बाड़ी ले ली चला गया. बड़ी आंखों से देखो. हग देम वेरी करेक्ट. मेरा बच्चा रात में लेट होता है आई एम इन द विंडो वो आएगा बेटो अब तुम क्यों सोए नहीं. आई वॉज वरीड फॉर यू डजंट मैटर हाउ यू हैव कम आई विल गो टू स्लीप. नेक्स्ट टाइम हिम्मत नहीं होती उसकी नहीं यार 11 बजे के बाद नहीं. माय फादर डजंट स्लीप. आई नेवर कंप्लेन हिम तुम क्यों लेट आएगा. आई एम ऑन द विंडो मुझे मालूम है और आधे घंटे में आएंगा घर और आ गया अब सोए नहीं अभी तक. आई वॉज वरीड फॉर यू रात हो गई कहां गए तुम क्या है मैं नीचे था कोई बात अब तुम आ गए अब मुझे नींद आ जाएगी. ही गॉट अ मैसेज. जवान बच्चा ही गॉट अ मैसेज कि जब तक मैं घर में नहीं आऊंगा बाप मेरा सोने वाला नहीं. बट सबने सुना है कि नहीं सबके घर में ये बात शुरू. हाँ मम्मी अभी आपका लेक्चर शुरू हो जाएगा बस 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 बस. दे डोंट लाइक. जो बच्चा आपका नहीं चाहता वो मत करो. मेरा बच्चा लेक्चर सुनना नहीं चाहता मैं लेक्चर नहीं दूं. थोड़ी सी बात में समझाने की कोशिश करो. मैंने क्या समझाया नहीं आई वॉज वेरी डिफर यू बस. तुम कहां गए थे कितने बज गए ये कोई टाइम होता है क्या. आई एम राइट जो मैं बोल रहा हूं वो सब सही है. बट दिस इज नॉट अ वे टू उसकी फीलिंग को उसने मेरी फीलिंग को समझ जैसे मैं उसकी फीलिंग को समझते आया बचपन से अब वो मेरी फीलिंग को समझेगा. अब वो मेरी फीलिंग को समझेगा मुझे मगर मेरी फीलिंग बताना पड़ेगी. आई हैव टू शो माई फीलिंग. द शॉर्टर द रिमाइंडर बेटर. जितना कम आप बोलोगे उतना उसको अच्छा लगेगा. कम से कम बल्कि एक लफ्ज में बोलो तो ज्यादा अच्छा. सी ये सब हमको सीखना पड़ेगा. मैंने फिर आपसे कहा कि ट्रायल एंड एरर. मैं आपको कुछ बहुत ऐसा एक तरीका नहीं बता सकता हूं कि इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम डील करने का. बट मैंने आपको बहुत सारी बातें यानी क्लूज दे दिया कि भाई ऐसा है तो आपको ऐसा करना है. वो डायलॉग्स आप क्रिएट करेंगे. नेक्स्ट इज टॉक अबाउट योर फीलिंग. आपको कैसे लगता है. मैं फिक्रमंद था आई वॉज वरीड. मैंने उसको ये नहीं कहा तुम कहां थे करके. मैंने क्या कहा मैं फिक्रमंद था आई वॉज वरीड. मेक नो कमेंट्स अबाउट द चाइल्ड्स कैरेक्टर ऑन और पर्सनैलिटी. तुम रात को बाहर लगने लगे तुम खराब हो गए तुम बिगड़ गए. नो पर्सनैलिटी एक्यूजेशन. चिल्ड्रन आर नॉट एंटाइटल टू हियर पेरेंट्स ऑनेस्ट फीलिंग. आर एंटाइटल टू हियर पेरेंट्स ऑनेस्ट फीलिंग. ऑनेस्ट फीलिंग क्या थी मेरी आई वॉज वरीड इसलिए विंडो में था. ऑनेस्ट फीलिंग क्या थी आई वॉज वरीड. आप भी जब बच्चा घर में नहीं आता तो आपके भी दिमाग में बहुत सारी बात चलती. वो कहां गया होगा वो अभी रात का टाइम है वो इधर तो नहीं गया होगा मोटरसाइकिल पे गया है ये. यू आर वरीड. तो आपकी सही फीलिंग आप बता दीजिए बस. आई वॉज वरीड मैं आपके लिए फिक्रमंद था बस. दैट्स ऑल. उसको कबूल करेगा कि नहीं आप उसके लिए फिक्रमंद थे. जब तो आप बेड छोड़ के खिड़की में खड़े थे बाकी सब तो घर में सोए. बी जेन्यून विथ योर विथ बींग हर्टफुल. ओके उसको हर्ट नहीं करना आपके बच्चे. डिस्क्राइब वॉट यू फील. इट इज पॉसिबल टू कॉपरेट विथ समवन हु इज एक्सप्रेसिंग इरिटेशन. इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉपरेट विथ समवन हु इज एक्सप्रेसिंग इरिटेशन और एंगर एज लॉन्ग एज यू आर नॉट बींग अटैक्ड. जब तक आपको कोई अटैक नहीं करता है तब तक आप किसी की बात सुन सकते हैं. द मोमेंट यू अटैक मुझे नहीं सुनना आपकी. समझेंगे मैं ऐसा सोच रहा था कि शायद तुमको कुछ तकलीफ हुई होगी या रास्ते में कुछ
मैं ऐसा सोच रहा था, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मालूम नहीं क्यों लेट हो गए थे। नहीं नहीं अब कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं मेरा वो, देन ही विल कम आउट इमीडिएटली बिकॉज ही वॉन्ट टू सेटिस्फाई यू, बिकॉज आप उसको सेटिस्फाई करते आए तो आपको वो सेटिस्फाई करेंगे। राइट अ नोट, सम टाइम नथिंग वी से इज एज इफेक्टिव एज द रिटन कार्ड। वो आर्चिस के कार्ड के बारे में आता है, वो महबूबा उसकी बहुत बिगड़ जाती है, वो इधर उधर उधर भागता है, कुछ मनाता है नहीं मानती है, फिर लास्ट में फाइनली वो एक कार्ड के ऊपर सॉरी बोल के कार्ड छोड़ देता है। हमको अपने बच्चों के साथ में भी ये करना चाहिए, अगर मैंने गलती की है और मैं अगर अपने बच्चे से सॉरी बोलता हूं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, नथिंग लाइक दैट, कोई हर्ज नहीं है सॉरी बोल। मैं क्यों सॉरी बोलूंगा, मैं उसका बाप हूं, कोई गलत बात बोला है क्या? यू आर राइट, जो आप बोल रहे हो सब सही है, बट वॉट आर यू गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू स्पॉइल योर रिलेशन एट नो कॉस्ट। आपको अगर कोई 10 लाख रुपया देता है और बोल देंगे आपके बच्चे का और आपका रिलेशन तोड़ देने का है मुझे, आप एग्री करोगे इसको? नहीं होगा, एग्री नहीं होगा। जस्ट बिकॉज यू गेट थ्रू द फर्स्ट टाइम, हाँ अभी रोजाना कार्ड छोड़ने का काम मत करना, समझेंगे? थैंक यू, सॉरी, वेलकम, ये वो फलाना डमाका हो, उसको फिर बाद में वो फीलिंग डेवलप नहीं। कभी कभी जस्ट बिकॉज एक मरतबा आपका एक फॉर्मूला काम कर गया तो हर बार वो काम करेगा ऐसा भी नहीं है, ठीक? आपको कुछ कुछ ट्राई करते रहना पड़ेगा। हम क्या बोल रहे हैं उस बोलने का एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना वर्ड इस्तेमाल करना इंपॉर्टेंट है उतना वर्ड का एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेरेंट ने कमाने वाले बच्चे से बोला, हाँ एक बार लाया है तो मालूम है, बच्चा बहुत बिगड़ गया। वो बोला, मैंने आपको कभी नहीं बोला कि मैंने ये लाया है करके, वर्ड वॉज ऑल्सो वेरी रॉन्ग एंड द एटीट्यूड वॉज वेरी रॉन्ग। ही वॉज हैप्पी दैट ही हैज बॉट समथिंग फॉर फैमिली, और मां के मुंह से ऐसा जुमला निकलता है, डॉक्टर मैंने ऐसा बोल दिया, ऐसा यू सेड रॉन्ग थिंग, गो से सॉरी, मैं सॉरी बोलू उसको? यू हैव टू, अगर आपको बच्चे का रिलेशन चाहिए तो यू हैव टू। वर्ड्स हैव द वे ऑफ लिंगरिंग। आपको याद होगा बचपन में आपको किसी ने एक लफ्ज बोला था, आज भी वो लफ्ज साला हैमर करता है, मारता है। इधर लफ्ज इस्तेमाल करने से पहले आपको सोचना है, और आपका प्यारा बच्चा उसके लिए आप कुछ गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको सोच के बोल। एट टाइम्स तो मैं कभी कभी तो ऐसा रहता है कि आई डोंट अटर अ सिंगल वर्ड बिकॉज मेरे पास एक भी अच्छा वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आता कि मैं इस वक्त में ये वर्ड बोलूं तो ये अच्छा है करके, एक भी वर्ड नहीं आता। एट टाइम्स आई गो ब्लैंक, नहीं बोलता हूं कुछ, और वो नहीं बोलना फायदे का। यू आर मास्टर, वेरी गुड, सी द सेइंग, स्पोकन वर्ड जो आपने बोल दिया उसके आपको गुलाम बनना पड़ेगा। गलत बोल दिया है आपको सॉरी बोलना पड़ेगा, मगर आपने कोई लफ्ज बोला नहीं है आप मास्टर हो। मैंने कहा बोला, मैंने तो बोला ही नहीं। वर्ड्स हैव अ वे ऑफ लिंगरिंग एंड लॉन्ग पॉइजनली, चूज योर वर्ड्स केयरफुली, सीक अल्टरनेटिव टू पनिशमेंट। ऐसे जैसे हम किसी दुश्मन से काम कर रहे हैं, एक गलती कर दिया उसको पनिशमेंट, दो गलती कर दिया पनिशमेंट, सुबह से शाम तक बच्चे का पनिशमेंट ही चालू है। तारे जमीन पे आपने देखा, हर टीचर आता है उसको पनिश करता है, हर टीचर आता है उसको पनिश करता है, गोज मैड, पनिशमेंट 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 पनिशमेंट, एंड सडनली अ टीचर कम्स, पनिशमेंट गायब उसका, इज हैप्पी, इज अ क्रिएटिव पर्सन। इतना अच्छा क्रिएशन होता है उसका कि उसके स्कूल की जो मैगजीन निकलती है उसका फर्स्ट पेज उसका। इट्स अ स्टोरी बट इट्स अ फैक्ट। ऐसे कई लोग देखे गए कि जिनको आप पनिशमेंट नहीं देते हो तो वो अपने क्रिएटिव माइंड को उभारते हैं।
जरा सी गलती बच्चे ने कर दी और पहला काम अपना तो हाथ फ्री रहता है एकदम खटाक करके कान के नीचे. वी डोंट इवन थिंक ये मेरा लाल है, ये मेरी औलाद है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है. वी डोंट इवन थिंक फॉर अ सेकेंड. एक गलती की और उसको ऐसा पटका पड़ता है. मैंने तो ऐसा देखा है, आई एम रियली सॉरी टू शेयर दैट, कि एक बच्ची की कान पे उसकी